हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है कि पार्टीशन आखिर कैसे हुआ था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या थे, और इससे हमें थोड़ी सा आइडिया भी लग जाता है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल और कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। दो एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना टफ होता है हिस्ट्री में। उसी डायरेक्शन में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ये टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट, काफी इम्पैक्टफुल टॉपिक है ये दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन, हमें ये थोड़ा सा समझना होगा दोस्तों। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, पूरा का पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो 1909 आपको याद होगा, उसके बाद 1919 में हुआ था, 1909, जिसको मॉर्लेमिंटो एक्ट भी बोलते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे मुस्लिम्स को। 1919 एक्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, इनके काफी ज्यादा और भी प्रोविजंस हैं। हम यहाँ पे 1935 एक्ट का एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन बात करेंगे, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको पूरा नाम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। इसके हिसाब से अंग्रेजों ने लाए थे, ठीक है, इन ब्रिटिशर्स ही लाए थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि प्रोविंशियल स्टेट, प्रोविंशियल जो होती है प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस, टोटल कितनी प्रोविंसेस थी भारत में 1935 के टाइम में, या इवन 1947 के टाइम में, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जो प्रोविंसेस है दोस्तों, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स ही, ठीक है, उनमें ऑटोनॉमी हम दे रहे हैं। ऑटोनॉमी से कहने का मतलब ये है कि वहां पे इलेक्शंस होंगे, जो इलेक्ट होगा वो अपनी सरकार बनाएगा, रूल करेगा, ठीक है, ये था प्रोविंसेस में। हाँ, सेंट्रल में इलेक्शंस जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि PM काइंड ऑफ बन रहा है। लेकिन ये समझने की कोशिश करिए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि प्रोविंसेस में इलेक्शंस होंगे और वहां पे जो मिनिस्ट्रीज बनेंगी वो सारे डिसीजन लेंगी, अपना वो चलाएंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था ये, इम्पॉर्टेंट स्टेप। और चीजें जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, वो मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा दोस्तों। तो 1935 के हिसाब से ही 1937 में दोस्तों इलेक्शन हुए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रोविंशियल इलेक्शंस, राइट। एंड इसमें कांग्रेस काफी जगह पे सरकार बनाएगी, काफी ज्यादा प्रोविंसेस में सरकार बनाएगी, इसलिए वर्ड लिखा है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। चलिए साथ साथ बॉक्स भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इस टाइम पे बनेंगी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये भी इवेंट्स थे। तो मुस्लिम लीग का अगर हम देखें तो इनिशियली फ्लोटेड इन ढाका, मतलब आइडिया जो था 1906 में, मुस्लिम लीग वॉज क्विकली ओवरटेकन बाय द यूपी बेस्ड मुस्लिम एलाइट। तो ढाका में इनिशिएट हुई थी, छोटी मोटी चीज थी, ठीक है, कोई ऐसी इंपैक्टफुल चीज नहीं थी, 1906 में शुरू हुई, और यूपी बेस्ड मुस्लिम एलाइट जो थे उन्होंने मतलब टेक ओवर कर लिया था मुस्लिम लीग को, कि हाँ वो चला रहे थे मुस्लिम लीग। पार्टी बिगेन टू मेक डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड और पाकिस्तान इन द 1940s, राइट। तो ये चीज आपको दिखेगी। एंड शुरू में आप देखें तो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, और 1940 तक आते आते बोलने लगी कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो हैं, जो जनरली कौन कौन से थे, नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट साइड में। नॉर्थ वेस्ट में आप समझ सकते हो एरियाज जो हैं पंजाब के एरियाज, वो एरियाज जो आसपास, उसके बाद ईस्ट में देखे तो बंगाल के एरियाज, राइट, असम के एरियाज। तो इन सब एरियाज में मुस्लिम लीग ने बोला कि ये जो एरियाज है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, यहाँ पे ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी वर्ड है, पार्टीशन वर्ड नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। पार्टीशन कैसे हुआ ये थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। पार्टीशन, हाँ, डिमांड थी पार्टीशन आगे चल के 1946-47 में, लेकिन ऑटोनॉमी, इनिशियल डिमांड ऑटोनॉमी थी, ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब मल्टीपल ऑटोनॉमी होती है दोस्तों, राइट। फॉर एग्जाम्पल भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश के पास ऑटोनॉमी है, तमिलनाडु के पास ऑटोनॉमी है, समझने की कोशिश करिए। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं होता पूरा का पूरा अपना कंट्री अलग बना दिया, राइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में TCS वर्क करती है, या इंफोसिस कंपनीज है, सब ऑटोनॉमस है, अपना चलाती है सब कुछ अपने हिसाब से। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, ऑटोनॉमस एक जनरिक टर्म है, राइट, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हिंदू महासभा बनी दोस्तों 1915 में, ईयर याद होने चाहिए आपको, 1915 में वाज अ हिंदू मेजोरिटी पार्टी, हिंदू पार्टी दैट रिमेन कन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया।
नॉर्थ इंडिया में कन्फाइंड थी दोस्तों, और इम्पैक्ट भी वहां पे ज्यादा था, ठीक है, ब्राह्मणिकल काइंड ऑफ पार्टी आप कह सकते हो, जिसमें ब्राह्मणिकल ज्यादा लोग थे। इट एम टू यूनाइट हिंदू सोसाइटी बाय एनकरेजिंग द हिंदूज टू ट्रांसेंड द डिविजन ऑफ कास्ट एंड सेक्ट। तो हिंदू महासभा का पर्पस ये था कि सारे हिंदूज जो होंगे वो यूनाइट होंगे और कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, राइट। एक काइंड ऑफ ये आप ये भी कह सकते हो ये बनी इसलिए थी कि मुस्लिम पार्टीज है ये हमारी हिंदू पार्टी हो गई जो सारे हिंदूज को यूनाइट करेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। इट सॉट टू डिफाइन हिंदू आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज था। देखिए हिंदू आइडेंटिटी अभी भी डिफाइन करना टफ है, उस टाइम में तो आप समझ ही सकते हो काफी टफ था। इट इज वेरी टफ टू से हु इज हिंदू। जब सेंसस वगैरह होते थे तो बोलते थे कि जो जो हिंद जो मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, वो हिंदू है, ऐसे करके डिफाइन कर दिया जाता था। तो बहुत ही वेग था, राइट। आई होप आप समझ सकते हैं, ये पॉइंट को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। तो जो ब्राह्मणिकल ब्राह्मण थे मोस्ट, तो उन्होंने बोला लेट्स डिफाइन आर हिंदू, मतलब हिंदू आइडेंटिटी, राइट। तो वही पर्पस है इन ऑपोजिशन टू मुस्लिम आइडेंटिटी। तो आप ये समझ लीजिए काइंड ऑफ ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब मुस्लिम्स हो गए, बाकी जो बच गए वो सब हिंदू है, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो। अब आप बोलोगे पारसी क्रिश्चियंस का क्या, राइट। तो पारसी क्रिश्चियंस को बहुत ही कम परसेंटेज पे थे, तो इसलिए उनका जिक्र नहीं हो रहा। सिख सिख को वो बोलते हिंदू ही थे, राइट। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक्चर में चीजें दे रखी हैं ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गए, अब आपको लेक्चर इजी रहेगा। देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या हुआ। तो 1937 में दोस्तों इलेक्शन हुए, और इलेक्शन थ्रू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए। मतलब लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जैसे स्टेट असेंबली होती है ना, विधानसभा, आई होप ये सब बातें पता हो, यूपी की विधानसभा, तमिलनाडु की विधानसभा, केरल, मिजोरम, इन सब की विधानसभा, ऐसे आप कह सकते हो। उनके लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हुए पहली बार। लेकिन याद रखो सबके पास वोट के अधिकार नहीं है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, कि एक उम्र से ज्यादा के जितने भी लोग हैं वो सब वोट दे सकते हैं। भारत में अभी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, लेकिन उस टाइम में नहीं थी। सिर्फ 10 से 12% ऑफ द पॉपुलेशन एंजॉयड द राइट टू वोट। द कांग्रेस डिड वेल इन द इलेक्शंस, विनिंग एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 5 out of 11 प्रोविंसेस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स इन 7 of them। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत में उस टाइम में कितने प्रोविंसेस थे, 11 थे टोटल 11। अब मेरे को कोई स्मार्ट आदमी बताए कि वो 11 प्रोविंसेस के नाम क्या थे। नाम मतलब जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, ऐसे 11 नाम लिख के दो मुझे। और उसमें से और जो लोग हैं वो मुझे ये बताएं कि उन 5 कौन से थे जहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई थी कांग्रेस की, और उन्होंने किन 7 में गवर्नमेंट बनाई थी, और बाकी 4 में किसने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए पढ़ना जरूरी होता है, इससे अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। और कांग्रेस इट डिड बैडली इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, बट द मुस्लिम लीग ऑल्सो फेयर्ड पुअरली। तो ये पॉइंट आपको नोट करना होगा दोस्तों, मुस्लिम जो सीट्स रिजर्व थी वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इससे हमें थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि कांग्रेस का इम्पैक्ट मुसलमानों में कम है, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी। ये 1937 की बात है, वही मुस्लिम लीग जो 1947 1947 में पाकिस्तान बना देगी, वो 10 साल पहले पॉपुलर ही नहीं है भारत में। कितनी शॉकिंग बात है ना। सिर्फ 4.4% ऑफ द टोटल मुस्लिम वोट कास्ट इन द इलेक्शन, इतने ही मिले बस इन्हें, ठीक है। सिर्फ 4.4% मुसलमान कह रहे हैं 1937 में, कि मुस्लिम लीग का कुछ पार्टी वार्टी भी है ना, समझ रहे हो। 4.4% क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये भी टोटल मुस्लिम वोट में इतना, ठीक है, टोटल वोट में नहीं, टोटल मुस्लिम वोट में 4.4%। लीग फेल्ड टू विन अ सिंगल सीट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां मुसलमान पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अभी तो ये पाकिस्तान में है जगह, ठीक है। एंड कुड कैप्चर ओनली 2 out of 84 रिजर्व सीट्स इन द पंजाब एंड 3 out of 33 इन सिंध। तो समझ लो मुस्लिम लीग है क्या, 10 साल में जिन्ना ने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये एक इम्पैक्टफुल बात है उनकी, ठीक है। 1937 में तो कुछ थी नहीं। अब देखते हैं बाकी हमारा उत्तर प्रदेश, मतलब जो यूनाइटेड प्रोविंसेस था पहले। द मुस्लिम लीग वांटेड टू फॉर्म अ जॉइंट गवर्नमेंट विद द कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग ने बोला चलो हम सब, तो देखिए इस टाइम में ना मुस्लिम लीग इतनी वो नहीं थी, कट्टर टाइप की, ठीक है, 1937 की बात में। तो ये एक सहमति थी, आम सहमति, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन द एंड एक ही चीज चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स भागेंगे, ये आम सहमति थी, राइट। उसके बाद जो होगा वो हम देख लेंगे। 1937 और उससे पहले की बात बता रहा हूँ, भले ही थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई होती रहती हो, लेकिन पार्टी लेवल पे ये सहमति थी, ठीक
ठीक है, इनफॉर्मल सहमति थी, फॉर्मली नहीं थी, मतलब रिटर्न में नहीं था लेकिन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने बोला कि कांग्रेस के साथ चलिए गवर्नमेंट बनाते हैं, ज्वाइंट गवर्नमेंट, जैसे आजकल बनती है ज्वाइंट गवर्नमेंट्स, जैसे अभी अकाली दल और बीजेपी साथ साथ थे, है ना, अब तो नहीं है। द कांग्रेस हैड वॉन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द प्रोविंस सो इट रिजेक्टेड द ऑफर। या कांग्रेस ने थोड़ी अकड़ दिखा दी, अपनी बेवकूफी कर दी, अपने पाँव पे पत्थर मार दिए यहाँ, है ना, या थोड़ी अकड़ दिखा दिया, जो भी है कुछ डिसीजन लिया जिसने भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई थी यूनाइटेड प्रोविंसेस में, उसने बोला मेरे को मुस्लिम लीग की जरूरत ही नहीं, तुम भागो यहाँ से, तुम्हें जरूरत ही क्या है। तो कुछ कुछ स्कॉलर दोस्तों कहते हैं दैट दिस रिजेक्शन कन्विंस द लीग दैट इफ इंडिया रिमेन यूनाइटेड देन मुस्लिम्स वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेन अ पॉलिटिकल पावर बिकॉज दे वुड ऑल रिमेन अ माइनॉरिटी। ये यकीन हो गया मुस्लिम लीग को कि देखो हमारे साथ तो एक गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं है, जब देश आजाद होगा तो हमारी कोई रेपुटेशन ही नहीं रहेगी, उसके बाद मुसलमानों का क्या होगा, राइट, हमारा क्या होगा, मुसलमानों का छोड़ो, हम तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, पता चले पूरी जिंदगी ऑपोजिशन में बैठे रहे, राइट, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, तो पॉलिटिकल भी गई चीजें, बात है ना। तो मोर देन मुस्लिम्स, उनको परवाह ये थी कि हमारा हमारा हम मुस्लिम्स कभी भी मिनिस्टर वगैरह तो बन नहीं सकते, ऑपोजिशन में बैठे रहेंगे। लीग अज्यूम्ड ऑफ कोर्स दैट ओनली अ मुस्लिम पार्टी कुड रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट एंड द कांग्रेस वाज एसेंशियली अ हिंदू पार्टी। ये लीग ने अज्यूम कर लिया, और कांग्रेस अज्यूम नहीं करती थी, लेकिन कांग्रेस की थोड़ी सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वर्ड होता है, एक पॉलिटिकल वो समझ होती है ना, यहाँ पे लगता है मारी भी गई थी थोड़ी, क्योंकि अगर वो ज्वाइंट पार्टी बना देती तो शायद कुछ और देश का हाल होता। तो लीग ने अस्यूम कर लिया कि मुस्लिम पार्टी को रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट एंड कांग्रेस तो एक हिंदू पार्टी, ये उसने अस्यूम कर लिया, जबकि सिर्फ 4.4% लोग ही मुस्लिम लीग को वोट दे रहे हैं, मुस्लिम लीग की खुद कोई औकात तो वैसे है नहीं। तो ये एक थोड़ा पॉइंट अगर आप कांग्रेस के फेवर में कहो तो ये कहो कि जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उसके साथ हम पार्टी अगर बनाएंगे, है ना, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसलिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ नहीं थामा, और उन्होंने सोचा कि हमारे साथ तो सब ही है, हिंदू मुसलमान सब, है ना, ये उन्होंने सोचा, दिमाग ज्यादा चला नहीं। बट जिन्नाज इंसिस्टेंस दैट द लीग बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल स्पोक्समैन ऑफ मुस्लिम कुड कन्विंस फ्यू एट द टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि जिन्ना अगर ये बोले कि मुस्लिम की एक पार्टी मुस्लिम लीग है तो इस पे कौन मानेगा, आप मानोगे, 4.4% मुसलमानों ने वोट दिया है, ठीक है, इससे पता चलता है भाई क्या है ये। दो पॉपुलर इन द यूनाइटेड प्रोविंस बॉम्बे एंड मद्रास सोशल सपोर्ट फॉर द लीग वॉज स्टिल फेयरली वीक इन थ्री ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम विच पाकिस्तान वॉज टू बी कार्व्ड आउट ऑफ जस्ट 10 ईयर्स लेटर। बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में तो कोई रेपुटेशन ही नहीं है मुस्लिम लीग की, जहाँ रेपुटेशन है वो यूनाइटेड प्रोविंस बॉम्बे मद्रास ना, वहाँ है रेपुटेशन, वहाँ से पाकिस्तान ना बनना ना कुछ, है ना, मुस्लिम पॉपुलेशन भी नहीं है मेजोरिटी में। तो लीग घबरा गई थी इस टाइम में, जिन्ना को दिख रहा था करियर एंड होने वाला है मेरा अगर मैंने कुछ किया नहीं। इवन इन सिंध इट फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, वहाँ पे भी बुरा हाल है, सिंध ये सब पाकिस्तान के पार्ट से, अब बंगाल का बड़ा हिस्सा क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो पूरा ही गया, पंजाब भी बहुत ज्यादा गया, सिंध तो पूरा गया। इट वॉज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स दैट द लीग डाउट डबल इट्स एफर्ट एट एक्सपेंडिंग इट्स सोशल सपोर्ट। तो लीग ने बोला या तो परफॉर्म करो या वैनिश हो जाओ, तो लीग उसी हिसाब से आपको दिखेगा वर्क करेगी, ठीक है। और कांग्रेस ऐसा लगेगा थोड़ा नशे में खो गई है, जब कांग्रेस मिनिस्ट्री बन गई ना, कांग्रेस मिनिस्ट्री इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द वाइडनिंग रिफ्ट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। द पार्टी हैड रिजेक्टेड मुस्लिम लीग प्रपोजल फॉर अ कोएलिशन गवर्नमेंट पार्टली बिकॉज लीग टेंडेड टू सपोर्ट लैंडलॉर्डिज्म विच द कांग्रेस विश टू अबॉलिश ऑल्दो द पार्टी हैड नॉट येट टेकन एनी कंक्रीट स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। तो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों ये, मुस्लिम लीग बोलती थी कि हमें लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है, खत्म नहीं करना, लैंडलॉर्डिज्म कह सकते हो जमींदारी, वो हमें खत्म नहीं करना, ये लीग का पॉइंट ऑफ व्यू था। और लीग थोड़ी सी अमीरों की पार्टी थी वैसे भी कह सकते हो, कांग्रेस का पॉइंट था ये वेरी क्लियर थे, दे वर वेरी क्लियर कि लैंड जमींदारी तो हमें खत्म करनी है, लैंडलॉर्डिज्म खत्म करना है, देश का इसने बत्ता बिठा दिया है, तो इसलिए हम लीग के साथ कोएलिशन नहीं फॉर्म कर सकते बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है लैंडलॉर्डिज्म। लेकिन कांग्रेस ने खुद लैंडलॉर्डिज्म को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करा, ये लिखा है यहाँ पे, ऑल्दो द पार्टी हैड नॉट या टेकन एनी कंक्रीट स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। तो इतना बड़ा मतलब पॉइंट नहीं था ये कि लैंडलॉर्डिज्म के बेसिस पे आप मुस्लिम लीग से हाथ ना मिलाओ, है ना, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी आजादी के बाद स्टेप्स लिए लैंडलॉर्डिज्म को हटाने के,
Nor did the Congress achieve any substantial gains in the Muslim Mass Contact Program it launched. तो मुस्लिम मास कांटेक्ट प्रोग्राम लॉन्च करा था कांग्रेस ने, सोचा था कि मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी हम कांग्रेस के अंडर ले लेंगे, है ना, और दिमाग चलाया नहीं उन्होंने। और थोड़ा सा अगर उन्होंने सोचा होता कि मुस्लिम लीग के अगर साथ ले लें तो मुस्लिम्स भी आ जाएं शायद, ऐसा सोचा नहीं कांग्रेस ने। इन द एंड द सेकुलर एंड द रेडिकल रिथोरिक ऑफ द कांग्रेस मेयरली अलार्म्ड कंजर्वेटिव मुस्लिम्स एंड द मुस्लिम लैंडेड एलाइड विदाउट विनिंग ओवर द मुस्लिम मासेस। तो ये हुआ कि मुस्लिम्स और दूर चले गए कांग्रेस से, क्योंकि सेकुलर रेडिकल रिथोरिक क्लियर नहीं थी कांग्रेस। अभी अभी आपको देखिएगा क्लियर ही नहीं है कांग्रेस अपने बारे में, कैसे क्लियर नहीं है यहाँ पे देखते हैं। मोर ओवर वाइल द लीडिंग कांग्रेस लीडर्स इन द लेट 1930s इंसिस्टेड मोर देन एवर बिफोर ऑन द नीड फॉर सेकुलरिज्म, दीज आइडियाज वर बाय नो मीन्स यूनिवर्सली शेयर्ड लो डाउन इन द पार्टी हायरार्की और इवन बाय ऑल कांग्रेस मिनिस्टर्स। तो देखो कांग्रेस बोल रही है सेकुलर रहो, ये रहो, वो रहो, है ना, ये बोल रही है ऊपर ऊपर से, स्टे बयान भी दे रही है, न्यूज़पेपर में छपवा रही है, लेकिन उसके लीडर्स फॉलो नहीं कर रहे, कांग्रेस के मिनिस्टर्स फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, सीनियर लीडर्स फॉलो कर रहे हैं, जूनियर लेवल पे लीडर्स अपने मजे में, देखते हैं कैसे है वो अपने मजे में। मौलाना आजाद जो इम्पोर्टेंट मेंबर थे कांग्रेस के, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत में ही रहे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के, पॉइंटेड आउट इन 1937 दैट द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर नॉट अलाउड टू जॉइन द लीग येट कांग्रेसमैन वर एक्टिव इन द हिंदू महासभा। तो ये बड़ा स्ट्रेंज चीज हो रही है कि मुस्लिम कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं लीग तो ज्वाइन नहीं कर सकते लेकिन हिंदू महासभा को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कैसा भाई वो है आपका, मतलब हिपोक्रेट एटीट्यूड, है ना। एटलीस्ट इन द सेंट्रल प्रोविंसेस प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश में, तो आपको देखिए कांग्रेसमैन थे, कांग्रेसमैन मध्य प्रदेश जो अभी है सेंट्रल प्रोविंस था उस टाइम पे, वहाँ पे काफी सारे मेंबर्स कांग्रेस के हिंदू महासभा ज्वाइन कर रखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस बोलती है कि एक ही पार्टी ज्वाइन करा करो, ये हमारा रूल है। ओनली इन दिसंबर 1938 डिड द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिक्लेयर दैट कांग्रेस मेंबर्स कुड नॉट बी मेंबर्स ऑफ द महासभा। तो कांग्रेस ने शायद शुरू में ही सोचा होगा महासभा एक थोड़ी ऐसे ही एनजीओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुओं के भले के लिए खुली है तो ज्वाइन कर लो कोई नहीं, मुस्लिम लीग तो पूरी पार्टी है, तो कांग्रेस ने शायद ये सोचा हो। वही तो थोड़ा कांग्रेस ने कैजुअल ले लिया, आपको यहाँ पे थोड़ा सा एटीट्यूड कांग्रेस का कैजुअल दिखेगा जो आगे चल के नुकसान पहुंचाएगा। इंसिडेंटली दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन द हिंदू महासभा एंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो आरएसएस आपको दिखेगा यहाँ इम्पैक्ट गेन कर रही होगी। लेटर स्प्रेड फ्रॉम इट्स नागपुर बेस टू द यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो आपको अभी पता है अभी भी आरएसएस का बेस नागपुर में है ना, ईयरली कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे, है ना। तो नागपुर बेस से वो यूनाइटेड प्रोविंस पहुंच गई, पंजाब पहुंच गए, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द 1930s। तो आपको देखिएगा आरएसएस बढ़ रही है आगे। बाय 1940 आरएसएस हैड ओवर 1 लाख ट्रेंड एंड हाईली डिसिप्लिन कैडर्स प्लेज टू एन आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू नेशनलिज्म कन्विंस्ड दैट इंडिया वाज अ लैंड ऑफ द हिंदू। ये एक ट्रिकी चीज हो गई कि जब एक सेट ऑफ लोग मेजोरिटी ये बोलने लगे कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ हिंदूज, तो बाकी जो लोग हैं बाकी जो लोग हैं वो घबरा जाएंगे, इसमें सिख भी घबरा जाएंगे, वो बोलेंगे हमें अपना लैंड दो, ठीक है, क्रिश्चियंस की तो पॉपुलेशन ही नहीं है, मुस्लिम्स वो पहले ही घबरा गए, ये क्या हो रहा है भाई, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी ट्रिकी सी हो गई, सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, गांधी जी भी इसमें ज्यादा कर नहीं पाए, ठीक है, करेंगे बीच बीच में बोलते रहेंगे, लेकिन गांधी जी मेन मेंबर नहीं है कांग्रेस के, आपको ये पॉइंट समझना होगा। काफी लोगों को समझ में नहीं आती ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज, थोड़ा सा आप ये समझिए कि कांग्रेस के डिसीजंस गांधी जी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, गांधी जी इज नॉट अटैच्ड विद कांग्रेस, रेदर उल्टा है, कांग्रेस जो है वो बार बार गांधी जी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा कि गांधी इज नॉट कांग्रेस, ठीक है, और कांग्रेस इज नॉट गांधी, ये भी शायद बोलना ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस को गांधी जी की सपोर्ट की दिखेगी, जब भी कुछ गलत करेगी वो गांधी जी का हाथ पकड़ने जाएगी कांग्रेस, ये आपको दिखेगा। तो लेकिन ऐसा उल्टा नहीं है कि गांधी जी ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा हो, ठीक है, भले ही 1930 हो, भले ही 1922 एनसीएम शुरू हो, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया या सिविल डिसोबीडियंस, तब सब जगह गांधी जी लेड दिस मूवमेंट, कांग्रेस ने हाँ ठीक है साथ लिया और फायदा उठाया, लेकिन ऐसा कुछ समझना होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है ना,
कन्फेडरेशन एक मतलब होता है दोस्तों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इन मॉडर्न पॉलिटिकल लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इट रिफर्स टू अ यूनियन ऑफ फेयरली ऑटोनोमस एंड सॉवरेन स्टेट्स विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट विद डिलिमिटेड पावर्स। जैसे यूएसए है, कॉन्फेडरेशन है, वहाँ पे स्टेट्स की बहुत ज्यादा पावर है। 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, हवाई, कैलिफोर्निया, ये सब स्टेट्स स्टेट्स है मतलब, है ना। और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, 50 है टोटल, ठीक है। उनके झंडे में भी 50 सितारे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कन्फेडरेशन है, वहाँ पे स्टेट्स की ऑटोनॉमी है पूरी की पूरी, लेकिन सब एक साथ हैं, सब एक साथ हैं। तो ऐसा ही मॉडल भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए सोचा जा रहा था, ठीक है, आप दोनों ऑटोनॉमस रहना लेकिन सेंटर कॉमन होगा। तो कन्फेडरेशन का मतलब यही होता है दोस्तों। अभी भारत में कन्फेडरेशन नहीं है, ये समझ लो, ये भी पॉइंट। भारत में अभी फेडरलिज्म है, ठीक है, फेडरलिज्म, कॉन्फेडरेशन नहीं है, ठीक है, टेक्निकली पता होनी चाहिए। फिर से बता दे रहा हूँ, कॉन्फेडरेशन इट रिफर्स टू अ यूनियन ऑफ फेयरली ऑटोनॉमस एंड सॉवरेन स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब ये छोटी छोटी स्टेट्स जुड़ी हुई हैं विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट विद डीलिमिटेड पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी लिमिटेड पावर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफेंस की डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नहीं, बाकी जो छोटे मोटे डिसीजन है, एजुकेशन, ये वो, मनी वनी, ये सब स्टेट्स ले लेगी। ये कन्फेडरेशन होता है, ठीक है। इसी बेसिस पे सोचा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान बन जाएंगे, बने कुछ और। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, आगे पार्टीशन की तरफ बढ़ेंगे।